गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी विल स्टार्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 7 एनिमल लिविंग एंड सर्वाइविंग. ओके, सो टू ब्रीफ क्वेश्चन राइट इन प्रीवियस क्लासेस. सो प्रीवियस लेक्चर, सो आई राइट थर्ड क्वेश्चन. हाउ डज अ फ्रॉग ब्रीथ ऑन लैंड एंड इन वाटर? क्वेश्चन थर्ड, हाउ राइट how does a frog breathe on land and in water? Okay, फ्रॉग ब्रीथ कैसे करता है वाटर में और लैंड में? सो फ्रॉग आंसर, ऑन लैंड फ्रॉग ब्रीथ थ्रू लंग्स. सॉरी, lungs, and in water, frog breathe through moist skin. इन वाटर ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन एंड ऑन लैंड ब्रीथ थ्रू लंग्स. यानी जब जमीन पे होता है, ऑन लैंड पे रहता है, तो वो ब्रीथ करता है, सॉरी BREATH, ब्रीथ करता है लंग्स से, और वाटर में रहता है तो ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन. ओके, क्वेश्चन फोर्थ, राइट टू फीचर ऑफ reptiles. Write two features of reptiles. So write two features of reptiles. So reptiles have dry scaly skin. And next, they can crawl on land. First is here, and second, they can crawl ऑन लैंड, जमीन पे रेंग सकता है. ओके, सो राइट टू फीचर्स ऑफ रेप्टाइल्स. सो रेप्टाइल्स हैव, फर्स्ट रेप्टाइल्स हैव ड्राई स्केली स्किन, एंड सेकेंड दे कैन क्राउल ऑन लैंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट टू एग्जाम्पल ईच ऑफ इंसेक्ट एंड वॉर्म्स. इंसेक्ट और वॉर्म्स के टू एग्जाम्पल दीजिए. तो इंसेक्ट का है बटरफ्लाई, आंट एंड स्पाइडर, कॉकरोच, एंड वॉर्म्स का अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, हुकवॉर्म एटसेट्रा. सो राइट फर्स्ट, list two example list two example each of insect and
वॉर्म्थ. आंसर इंसेक्ट. बटरफ्लाई एंड स्पाइडर एंड वॉर्म का एग्जाम्पल अर्थवॉर्म. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. फॉर द फॉलोइंग ओके. फर्स्ट गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. सो फर्स्ट एनिमल दैट फीड ऑन द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स. एनिमल दैट फीड ऑन द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल. एनिमल्स आंसर इज कार्निवोरस. कार्निवोरस एनिमल्स दैट फीड ऑन फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स. ओके देन नेक्स्ट एनिमल दैट दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. वो एनिमल्स जो कि लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं. सो आंसर इज एम्फीबियंस. एम्फीबियंस थर्ड है एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स. एनिमल्स that eat only plants. answer is animal that eat only plants. जो केवल plants को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं. herbivorous. herbivorous. and fourth one fourth is wait fourth right upper side. A long winter sleep
टेकन बाय समवन, टेकन बाय सम एनिमल्स. डीप स्लीप थ्रू द विंटर दैट एनेबल एन एनिमल टू सेव एनर्जी एंड सर्वाइव विदाउट फूड आर कॉल्ड हाइबरनेशन. सो आई लॉन्ग विंटर स्लीप टेकन बाय सम एनिमल, यानी कुछ एनिमल्स लंबी सी विंटर में लंबी सी नींद लेते हैं, लॉन्ग विंटर स्लीप. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन. हाइबर HIBER हाइबर NATION हाइबरनेशन. एंड फिफ्थ वन इज दी एबिलिटी एबिलिटी ऑफ सम एनिमल्स टू यूज देयर कलर और बॉडी शेप टू मर्ज विथ देयर सराउंडिंग कैमोफ्लेज. कैमोफ्लेज ओके. द एबिलिटी ऑफ सम एनिमल, यानी कुछ एनिमल्स में कुछ एबिलिटी होती है टू यूज देयर कलर और बॉडी शेप टू मर्ज विद देयर सराउंडिंग, यानी अपने सराउंड के हिसाब से वो अपने कलर्स और बॉडी शेप्स को चेंज कर लेते हैं. उस प्रोसेस को कैमोफ्लेज कहा जाता है. ओके राइट आंसर बेटा प्रॉपरली. द नेक्स्ट इज आंसर इन डिटेल. आंसर इन डिटेल. Write properly, okay? Next, answer in details. Answer in detail. First, how do fish adapt themselves to live in water, to live in water? So answer is fish वाटर में कैसे रह पाती है, उसका अडेप्टेशन बताना है. सो फिश है वो गिल्स. आंसर लिखिए फिश हैव गिल्स. टू ब्रीथ इन वाटर, ब्रीथ इन वाटर, ब्रीथ इन वाटर and the fins and tails help them to swim
दे सर्वाइव इजिली इन वाटर. ओके रिपीट आंसर. फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर. यानी फिश ब्रीथ करती है गिल्स से एंड फिन्स एंड टेल्स की हेल्प से. हेल्प फिन्स एंड हेल्प फिन्स एंड टेल्स हेल्प देम टू स्विम. और स्विम करने में फिन्स और टेल्स हेल्प करती है उसकी. सो दे सर्वाइव इजिली इन वाटर. इसलिए वो वाटर में इजिली सर्वाइव कर पाती है. ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.